पनीर पनीर ना आप निखाओ। अब की बात सुमित को पकड़ लिया है भाई, ऊपर से ही टूटेगी। हाँ, गवर्नमेंट का घर बन रहा है। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है 3 तारीख, वीरवार हो गया है, थर्सडे है। और अभी सुबह का ही टाइम हुआ है, तो सुबह के मैं सारे काम अपने निपटा के नाश्ता पानी बनाने में लगी हुई हूँ। और आज नाश्ते में है ना, मैं चिल्ले बना रही हूँ, और चिल्ले भी प्लेन वाले चिल्ले बनाऊंगी। पनीर वगैरह, प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें भर के बनाते हैं ना, तो वो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पनीर ज़्यादा हैवी हो जाता है और पनीर के चिल्ले फिर मम्मी से खाए नहीं जाते। तो फिर मम्मी के लिए नहीं तो कुछ और बनाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा प्लेन ही चिल्ले बना देती हूँ और चटनी बना देती हूँ दो। तो मैंने चटनी बना दी है, एक तो ग्रीन वाली बना दी है, धनिया वाली चटनी, जिसमें थोड़ी सी दही डाल के और मिर्च लहसुन अदरक ये सारी चीज़ें डाल के तो ये बना दी है। और दूसरी मैं बना रही हूँ मूंगफली की चटनी, कच्ची मूंगफली वाली चटनी जो होती है ना, तो वो चटनी बना रही हूँ। और कच्ची मूंगफलियों को थोड़ा सा भून के मैंने सुखाई भून लिया था, और उनको ठंडा करके उनके छिलके अलग कर लिए हैं, और छिलके उतारने के बाद फिर मिक्सी जार में डाल ली हैं। और साथ ही मैंने हरी मिर्ची, लहसुन अदरक और काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, नमक ये सारी चीज़ें डाल के बस अब इनको पीस लूँगी। और मूंगफलियों को मैंने पीस लिया है, और अभी उसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, और तेल में डाल ली राई, राई क्या सरसों होती है ना जो राई से मोटी, तो वो डाली है। और ऊपर से डाल लिया कड़ी पत्ता, और फिर जो ये मूंगफली पीस रखी थी ये बैटर डाल लिया। तो यहाँ पर चटनी रेडी हो गई है खाने के लिए, और अभी चिल्ले बना लेते हैं। तो चिल्लों के लिए मैंने शाम को ही मूंग की जो दाल होती है ना वो भिगो दी थी, और बस अभी इसका पानी के समेत ही पीस ली। थोड़ा सा पानी था वो निकाल दिया, थोड़ा थोड़ा पानी बच गया ना, तो उसके समेत ही पीस ली बस, और एक्स्ट्रा पानी कुछ नहीं डाला मैंने। और बिल्कुल महीन सा पेस्ट बना लिया पीस के, और ये पेस्ट रेडी है, नमक डाल के पीस लिया था। और अभी चिल्ले बना लेते हैं। तो जैसे डोसे बनाते हैं सेम वैसे ही चिल्ले बनाते हैं, पर डोसे में जैसे नीचे घी नहीं लगाते, मैं चिल्लों में घी लगा लेती हूँ। डोसों में तो तवे पे पानी छिड़क के और पानी हटा के बस ऐसे ही बनाना होता है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा नीचे घी लगा के और तब ये बनते हैं। वैसे तो है ना ये बिल्कुल धीरे धीरे पकते हैं, जैसे डोसे भी धीरे धीरे पकते हैं ना, तो कई देर किचन में खड़ा रहना पड़ता है और बारी बारी से ही खाने पड़ते हैं। तो बन गया, अभी रेडी हो गया है चिल्ला। आ जाओ आप सब भी खा लो ग्रीन चटनी और मूंगफली की चटनी के साथ। तो अभी टाइम लगेगा ना, तो बारी बारी खा लेंगे, पहले मम्मी को दे देती हूँ, फिर सुमित खा लेंगे, फिर मैं खा लूँगी। आ जाओ मैं नाश्ता कर लो। चिल्ले आज प्लेन चिल्ले बनाए हैं, वो ना डाला पनीर पनीर ना आप नहीं खाओ। अच्छा। आज तो है ना हमारा दूध वाला भी जल्दी आ गया, नहीं तो 12 बजे कभी 11:30 बजे, और 2 दिन से तो आ ही नहीं रहा था। 2 दिन से तो छुट्टी मार रखी थी, क्योंकि बचता ही नहीं होगा हमारे यहाँ, सबसे लेट आता है, और बचता है तो उस दिन दे जाता है, नहीं तो नहीं। तो आज तो 10:30 बजे ही आ गया माओ, आज तो चाले हो गए। अभी गर्म करना रख दिया है दूध। अभी थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं, इनको फोल्ड कर रही हूँ। कुछ तो मैंने कल धोए थे ना, तो कल सर सूख गए थे थोड़ी देर बाद ही, तो उनको तभी फोल्ड कर दिया था। और ये जो नहीं सूखे थे ये बचे हुए हैं, तो अभी इनको कर देती हूँ फटाफट फोल्ड। और साथ में मैंने टीवी चला लिया, तो टीवी देखते हुए कपड़ों को भी फोल्ड कर देती हूँ ना। और टीवी देखते हुए काम करते है ना, तो काम करने का पता ही नहीं चलता कब में काम हो गया। अभी दोपहर का टाइम हो गया है, और आज सुमित को है ना बहुत तेज बुखार हो गया। रात को भी चढ़ा था, लेकिन रात को दवाई ले ली थी तो उतर गया था, और फिर सुबह फिर चढ़ गया, फिर उतर गया दवाई लेते ही। आजकल ये वायरल फैला हुआ है ना, और एक आइस फ्लू फैला हुआ है, तो वो सब एक दूसरे से लग रहा है। तो अब की बात सुमित को पकड़ लिया है भाई, अब फिर बुखार हो रहा है। तो अभी मैं है ना ठंडे पानी की बर्फ डाल के पानी में उसकी पट्टियां रख रही हूँ, उससे उतर गया तो ठीक है। 2 बार तो दवाई ले ली, दवाई लेते तो उतर जा है, दोबारा फिर चढ़ जा है, बेचारे बीमार हो गए। ये इतना सहन भी नहीं कर सकते, मैं तो सहन कर लिया करूँ, मेरे तो कितनी बड़े बुखार हो जा कुछ हो जा मैं सहन कर लेती हूँ, लेकिन सुमित तो बेचारे टूट जाते, कुछ नहीं करते, बेड पे ही रहते, उठते भी नहीं। मेरे तो बुखार हो जाया करूँ, मैं तो अपना सहन कर लिया करूँ, काम भी करती रहा करूँ बुखार होने पर सुमित से सहन नहीं हो पाता। तो मैं तो ये कहती हूँ इससे तो अच्छा ना मेरा चढ़ जा, मैं तो फिर भी सहन कर लूँ, इनसे सहन नहीं होता। देखो कितने दुखी परेशान हो रहे हैं, इनको देख के मेरा भी जी दुखी हो रहा है।
अभी मैं बर्फ की पट्टियां रख रही हूँ, उससे उतर गया तो ठीक है, नहीं फिर से दवाई देनी पड़ेगी। आजकल ये वायरल फैला हुआ है भाई, सब बच के रहो। और ये आइस फ्लू भी फैला हुआ है, आइस फ्लू तो एक दूसरे से की आंखों में देखने से ही हो जाता है, तो अपना अपना सब ध्यान रखो। हमारे घर में तो घुस गया बुखार, अब देखो किस किस को पकड़ता है, पर हम भी ध्यान रखेंगे। बस अभी सुमित की जबरदस्त सेवा पानी कर देती हूँ, ठीक कर देती हूँ इसको जल्दी से, ये ठीक हो जाएंगे तो फिर क्या पता हमारे ना भी हो। तो बस अभी मैं पट्टियां रख देती हूँ ठंडे पानी की, भिगो भिगो के। और ये वायरस ऐसा फैला हुआ है, मतलब बारिश के मौसम में हर साल ही ये बुखार होते हैं, और इसमें ना प्लेटलेट कम हो जाती हैं। तो अभी सुमित के लिए मैं गिलोई लेके आऊँगी, तो गिलोई का काढ़ा पिलाने से प्लेटलेट भी बढ़ जाएंगी। और अभी आंटी के यहाँ से लेके आऊँगी, पहले ठंडे पानी की पट्टियाँ रख देती हूँ। और ऐसे ही करके मैंने है ना चार बार पानी बदल बदल के तब पट्टियाँ सुमित के सिर पे रखी थी, क्योंकि इंजेक्शन तो लग नहीं सकता। अभी डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर बोले कि अभी बुखार है तो बुखार में इंजेक्शन नहीं लगेगा, तो दवाई से ही काम चलाना है, तो इसलिए ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने से भी थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ठंडी ठंडी पट्टी रख कर, थोड़ा सा ठंडी पट्टी रखने तक थोड़ा बुखार भी कम हो जाएगा, जो टेम्परेचर ज़्यादा है ना कम हो जाएगा थोड़ा सा। गरम गरम सिर पर ठंडी ठंडी पट्टी रखा जो मज़ा तो आ जाएगा, पर देखो कितना टेम्परेचर कम होता है। देख ऊपर से ही टूटेगी, हाँ ऊपर से ले आ, वो दूसरे वाली है ना उस साइड वाली टूट जाएगी। अभी सुमित को बुखार हो रखा है ना, तो मैं गिलोई लेने आई हूँ, और आंटी है नहीं, आंटी गई है गांव में, आंटी का घर बन रहा है तो घर बनवाने के लिए गई है आंटी। तो मंतोष भैया है वो लेके आ रही है ऊपर से, वैसे तो वहाँ भी है पर यहाँ भी है, तो इसी गार्डन से ले लेती हूँ, वहाँ जाना पड़ेगा। मैं सोचा यहीं से ले लेती हूँ, सुमित को काढ़ा बना के पिला दूँगी। तो अभी भैया गए हैं लेने गिलोई, ये यहाँ पूरी गिलोई की बेल है, पर ये नीचे से नहीं टूट रही, ऊपर जाके ही तोड़नी पड़ेगी। तो ऊपर गए हैं अभी लेने मंतोष भैया, दो बेल है वैसे तो, एक यहाँ नीचे बुरी है एक ऊपर बुरी है, पर नीचे इसकी ज्यादा नीचे डाली नहीं है कोई भी, सारी ऊपर गई हुई है। ले आए हैं मंतोष भैया गिलोई की बेल, कैची से काट के लेके आए हैं। मंतोष भैया आंटी के यहाँ काम करते हैं, संतोष आंटी के यहाँ, तो नीचे ही रहते हैं, तो इनको ही बोल दिया था ये ले आए ऊपर से। और अभी कितनी सारी दे दी, तो दो तीन बार तो बना के पिलाऊंगी दिन में, तो दो तीन बार पिलाऊंगी तो जो प्लेटलेट कम हो रही होंगी तो वो ठीक आ जाएंगी, और नहीं कम हो रही होंगी तो फिर भी सही है, गिलोई तो अच्छी होती है बुखार में। और अभी तक वैसे चेक नहीं करवाया है कि प्लेटलेट कम है या नहीं है, अगर बुखार ठीक हो गया फिर तो चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर चेक करवाएंगे। और कोरोना में भी तो हम कितना काढ़ा पीते थे, गिलोई का बहुत ही काढ़ा पिया है भाई, दो में दो दो बार तीन तीन बार भी पिया है जब कोरोना ज़्यादा बढ़ गया था ना, और डेली काढ़ा बना बना के पीते थे गिलोई का, आंटी के यहाँ से तोड़ के लाते थे, इतनी गिलोई लेके आए आंटी के यहाँ से। तब तो ये वाला घर नहीं बना था, वो दूसरे वाले गार्डन से ही लेके आते थे, आंटी भी दे जाती थी। लो काढ़ा पी लो गर्मा गर्म, और ज़्यादा ठंडा मत करना कहीं, ज़्यादा ठंडा करके थोड़ा हल्का गर्म हाई पी लो, हो जाओगे ठीक, प्लेटलेट आ जाएंगे तेरी वापस। और अभी बस मैं खाना बनाने ही जा रही हूँ, और आज है ना दाल ही बनाऊंगी, क्योंकि सुमित का वैसे ही खाने का मन नहीं कर रहा, बुखार में कहाँ मन करता है खाने का, और खाने को भी तो बुखार में यही सब चीजें मिलती है, दलिया खिचड़ी, तो दलिया खिचड़ी तो आज मैं बना नहीं रही, कल देख लूंगी, कल दोपहर में बना दूंगी खिचड़ी। तो शाम को तो मैं अभी दाल बना रही हूँ, सोच रही हूँ एक रोटी खा लेगा, पतले पतले दाल पी लेगा तो उसका भी मन सही हो जाएगा, और फिर दवाई भी तो लेनी है तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। वैसे खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, सुमित का बोले कि उल्टी आ जाएंगे अगर खाऊंगा तो, लेकिन दाल के साथ एक रोटी तो दूंगी ही। चलो अभी बना लेती हूँ मैं खाना, और छोंक दी है मैंने दाल, आटा भी गूंद दिया है। और अभी सब्जी लेने गई थी मैं दुकान पे, तो वहाँ से कुछ फ्रूट ले आई, कल सुमित को जूस बना के पिला दूंगी, और बस अभी रोटी बनानी बाकी है। चलो तो अभी इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।